स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। कई बातें ऐसी होती हैं कि वो आपके मन के अंदर होती हैं, जिसको एक इंस्टिंक्ट कहते हैं कि लोकतंत्र ये है। जो वास्तविकता में लोकतंत्र है वो दो चीज़ें होती हैं, एक कि आपको अपना मत, अपनी बात, अपनी इच्छा और अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर हो और उनका प्रभाव कार्यशैली पर हो, जो भी प्रबंधक है उस पर हो, ताकि वो ये कह सके कि मैंने आपकी इच्छा के अनुसार, जो आम इच्छा है, सब लोगों की इच्छा को समझने के बाद मैंने ये निर्णय लिया है और मैंने ये कार्य किया है। दूसरा ये है कि जब विवाद होता है तो विवाद में जो लोग पक्षधर होते हैं, सरकार के, जो सरकार चुनी हुई होती है या जिसके पास बहुमत होता है, उनका जो विचार है, उस विचार से या जिस विचार का विरोध करते हैं या असहमत होते हैं उस विचार से, तो उनको कहाँ जगह प्रणाली, कार्य प्रणाली में उनको कहाँ जगह प्राप्त हो सकती है, उनको अपनी पहचान बनाने का क्या मौका मिल सकता है। अगर अंततः उनकी बात ना भी मानी जाए, तब भी बात का सम्मान हो रहा है और बात को समझने का प्रयास हो रहा है, कोशिश हो रही है, और बात में जितना दम दिखे उतना अकोमोडेशन करने का एक अवसर मिले, ये सब लोकतंत्र में होता है और होना चाहिए, और बिना इसके लोकतंत्र चलता नहीं। देखिए, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन अगर ये ना होता तो छोटी सी बात थी, किसी से आपका विवाद है, किसी ने कोई बात कही, वो आपको पसंद ना आई, आपने कानून का दावा किया, आपने कानून की पेशकश की और कहा कि कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है, और जैसे था साधारणतः कानून के फैसले आते हैं वैसे ये फैसला भी होता, और जैसे कहा जाता है कि कोई भी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं होता, कानून का दायित्व है वो सबको मानना पड़ता है। लेकिन इसमें इतनी रुचि क्यों ली जा रही है? बहुत सारे इसके बारे में घटनाक्रम में ये लोग बताते हैं कि इसको पहले ये दावा पेश किया गया, दावा कर्नाटक में होना चाहिए था, कोलार में होना चाहिए था, जहाँ ये बात कही गई थी, जो जिस बात से आपत्ति है, उसको गुजरात क्यों लाया गया, गुजरात में क्यों किया गया, और फिर जब शायद कुछ ऐसा लगा कि ये बात जो है वो सही बैठेगी नहीं, तो स्वयं जिसने शिकायत की थी वो जाके हाईकोर्ट से स्टे ले आता है। फिर लगता है कि यहाँ मामले गर्म हो रहे हैं, अडानी जी की बात हो रही है, अडानी जी पर आरोप लग रहे हैं, राहुल गांधी लगातार प्रहार कर रहे हैं, तत्काल उसके बाद हाईकोर्ट से वापस लिया जाता है कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसको वापस हम ले लेते हैं और अब कार्रवाई जो है वो ट्रायल कोर्ट पे कार्रवाई चलनी चाहिए, और तत्काल कार्रवाई शुरू हो जाती है। हम सब जानते हैं कितना समय लगता है, इतनी तीव्र गति से कार्रवाई हुई, ये बात समझ में नहीं आई कि एक दिन में डिस्क्वालिफिकेशन आ गया, डिस्क्वालिफिकेशन के दो दिन के अंदर घर खाली करने का नोटिस आ गया, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। और दूसरी तरफ ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि कितनी जल्दी अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव वायनाड में चुनाव की फिर से घोषणा हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, उससे कुछ लगता है कि ये कोई साधारण जो कार्यप्रणाली होती है न्यायालय की, उससे हट कर ये कुछ है। देखिए, ओबीसी का अपमान किया या नहीं किया, इसके कोई तथ्य तो होने चाहिए। अब जब तक कि ये अपील पे नहीं जाता मामला, और अपील के बाद हाईकोर्ट नहीं जाता, और हाईकोर्ट के बाद अगर आवश्यकता पड़े तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि ऐसी कोई फाइंडिंग, ऐसी कोई बात उस फैसले में है जिसको लेकर बीजेपी चारों तरफ हंगामा कर रही है। ओबीसी कौन है वहाँ, ओबीसी कौन है इसमें, इस पर एक बड़ा 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 प्रश्न है। और ओबीसी कोई है भी तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति विशेष के को आप कहें कि तुमने गलती की है तो ये कहा जाए कि ये आप ओबीसी के खिलाफ कह रहे हैं, या किसी आप उच्च स्तर, उच्च किसी संस्था के
पर ये सवाल कर रहे हैं या कोई अल्पसंख्यक हो तो आप कहें कि अल्पसंख्यक समाज पे सवाल कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष पे तो सवाल उठाया जा सकता है ना, लेकिन साथ ही साथ ये कह देना कि ओबीसी समाज है उसका अपमान किया है, तो उसमें भी कानून बड़ा स्पष्ट है कि किसी समाज के लिए कुछ कह देना और उसका उसकी अवमानना करना ये बहुत आसान नहीं होता है साबित करना। उसका क्या विशेष सेक्शन है, उसके कौन विशेष लोग हैं जिनकी अवमानना की गई है, इस पर विचार करने के लिए कोर्ट को बहुत बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, तब कोई इसमें से कोई बात निकल के आती है। तो ये कह देना बीजेपी का कि इसमें साक्ष्य हमको मिल गए हैं और इसलिए हम राहुल गांधी पर ये आरोप लगाते हैं, सरासर बेईमानी है, सरासर बेबुनियाद है, और इस पर तभी चर्चा होनी चाहिए जब इससे उच्च ऊपर कोर्ट में, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ये बात स्पष्ट हो। कुछ रिश्ता है, लोगों को रुचि है इसमें, और रुचि होनी चाहिए कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहाँ से सरकार को कहाँ से सहयोग मिलता है, सरकार को कहाँ से धनराशि प्राप्त होती है, और जो धनराशि देता है उसके क्या क्या लाभ सरकार देती है, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में पारदर्शिता से लोगों को मालूम होना चाहिए। ये सवाल पूछा है, राहुल जी ने ये नहीं कहा है कि तुम्हारे संबंध हैं, राहुल जी ने कहा कि क्या संबंध हैं आप बता दो, इससे ज़्यादा और क्या एक ऑपोजिशन का, एक विपक्ष का नेता कह सकता है कि क्या संबंध है। हमें लगता है कि संबंध हैं, अब आप बताइए आपके क्या संबंध हैं। नहीं संबंध हैं तो सच्चाई सामने रख दीजिए, हम उसको भी स्वीकार करेंगे, लेकिन कुछ हमने आपको प्रथम दृष्टि से बातें बताई हैं कि आपके जहाज़ में वो चल के आए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, या जब वो ऑस्ट्रेलिया गए कहीं और गए प्रधानमंत्री के रूप में तो वो आपको साथ ले गए, और जहाँ से आपको पैसा उपलब्ध कराया गया, SBI बैंक के चेयरमैन को आपके साथ बिठाया, वो सारे चित्र आए हैं, ये तो कोई छुपी बात नहीं है। इन सब को लेकर ये सारी बातें लेकर राहुल जी ने ये कहा कि ये क्या है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और लोगों को तो आप नहीं साथ ले जाते, और लोगों को साथ ले जाने के बाद वो सारी धनराशि नहीं मिल जाती एक बड़े बैंक से, SBI से या किस बैंक से नहीं मिल जाती जिसके चेयरमैन के साथ आप बैठते हैं, तो इसका स्पष्टीकरण करिए, इसका जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो एक बात बता दें, हम राहुल गांधी को अपना नेता मानते हैं, और अगर हम आज राहुल गांधी पर आपत्ति आए और राहुल गांधी पर इतना बड़ा संकट हो और हम अपने आप घर बैठे रहें और हम कुछ ना करें तो हम कायर होंगे, हम अपना चेहरा देख नहीं पाएंगे, हमें अपने नेता के लिए कुछ करना है, लेकिन हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे नेता अपने लिए कुछ नहीं चाहते। हमारे नेता जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो भारतीय डेमोक्रेसी के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, भारतीय व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए अकेले लड़ना नहीं चाहते। तो वो हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भी हर चीज़ के लिए तैयार हैं, हमको भी संघर्ष में कितने दूर तक जाना पड़े, कितना भी कष्ट उठाना पड़े और कितना भी बड़ा बलिदान हमको देना पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं, हम मानते हैं। इसमें दोनों बातें हैं, हमारी निष्ठा, हमारी आस्था हमारे नेता में, और जो हमारा विश्वास हमारी पार्टी में है, हमारी पार्टी के साथ हमारे देश में है, हमारे मुल्क में है, हमारे संविधान में है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम जहां तक होगा वहां तक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।